हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिक नेस्ट। तो ये फ्रेंड, मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका टॉपिक है हाउ टू वेवल टेक्स्ट। हम अपने फॉन्ट में, हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर ये वेवल इफेक्ट कैसे डालेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लीजिए जिसके ऊपर भी आपको अप्लाई करना है। तो मैं कुछ टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा बोल्ड फॉन्ट ले रहा हूँ सो दैट कि वो इफेक्ट आपको नज़र आए। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको सो देट दिखे वो इफेक्ट। तो आप इस पर कलर चूज कर लीजिए जो आपका, जो भी आपको मन करे। ठीक है, तो मैं इस पर रेड चूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये इफेक्ट है वो आपका इफेक्ट मेन्यू के अंदर आपका जो ये बेवल है यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर एक पैनल नज़र आएगा। ठीक है, तो इस पैनल से आपका इस पूरे इफेक्ट पे कंट्रोल आएगा। अब मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी का डार्क साइड चूज़ कर लीजिए। ऑलरेडी मेरा चूज है तो मैं कुछ नहीं करूँगा और इसे अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने इफेक्ट कितना बढ़िया इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसका डिस्टेंस, मतलब इसकी एक तरीके से जो इफेक्ट है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। आप इसका अगर 2 mm करते हैं, ठीक है, तो 2 mm अप्लाई करेंगे तो देखिए आप थोड़ी डेप्थ इसमें कम हो गई। तो मेरे को अभी 3 ठीक लग रही है, तो मैं इसमें 3 पे जाके ओके अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसको देखिए कम करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसमें कम हो गई है। आप इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए सो देट कि इफेक्ट थोड़ा खिल के आएगा। तो यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर कुछ और भी टाइप करता हूँ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे, आपका ये वाला कलर है जो इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैं इधर येलो करता हूँ, देखिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ, तो देखिए किस तरीके से आपका कलर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक इफेक्ट और है, वो है आपका सेंटर, टू सेंटर। अगर इसका टू सेंटर करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या इम्पेक्ट पड़ता है। यहाँ से सेंटर से इसकी डेप्थ आएगी। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सो देट आपको दिखे, और मैं इसे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या इफेक्ट इसमें आया। ठीक है, और इसमें एक और इफेक्ट है सॉफ्ट एजेस के अलावा, एम्बोज भी है। ठीक है, एम्बोज करेंगे, दिखाता हूँ मैं आप में इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एम्बोजिंग में एक नीचे हल्की सी डेप्थ आ गई, फिर इसको आप ऊपर नीचे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे सॉफ्ट एज कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से वेवल इम्बोज का इफेक्ट आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड, मेरे को आशा है कि आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा कि वेवल और टेक्स्ट में इम्बोज, वेवल के ऊपर कैसे, सॉरी टेक्स्ट के ऊपर कैसे इम्बोजिंग हम करते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा सो देट मेरे को आपका फीडबैक मिलता रहेगा। और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट जो मेरी और भी वीडियो है जो मैं कोरल के ऊपर, इन डिजाइन के ऊपर बनाता रहूँगा, वो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुँचती रहेगी। थैंक यू।